हेलो क्लास 8, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू दिस मॉडर्न मास्टर जी चैनल। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास ये एक इक्वेशन दी है, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, सो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 17 + 6p = 9। ठीक है, सो सबसे पहले आप देखो वेरिएबल हमारे पास 6 के साथ है, तो यहाँ पर मैं 6p एज इट इज़ लिख लूँगा, और 9 के साथ यहाँ पर आप देखो 17 जो है वो प्लस का है, तो इस साइड जाकर 17 हमारा हो जाएगा नेगेटिव का। अब उसके बाद 6p इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 17। अब आप देखो 9 पॉजिटिव का है, 17 नेगेटिव का है, तो ये अगर प्लस माइनस माइनस होगा तो आपके पास कितना बचेगा, 8 बचेगा, और जो कि बचेगा आपका नेगेटिव का, क्योंकि 17 बड़ा है और 9 छोटा है, तो जो बड़ा होता है उसके साथ का साइन यहाँ पर आता है। ठीक है, फिर पी की वैल्यू आप कितना लिखोगे, -8 पी के साथ 6 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब इसे आप कैंसिल कर सकते हो, 2 से 2 4 8 और 2 3 6, तो पी की वैल्यू आपकी आ जाएगी -4/3। ठीक है, अब इसको आपको फर्दर सॉल्व नहीं करना है, ओके, ये आपको इतना ही फ्रैक्शन में छोड़ देना है। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, बाय बाय।